हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संसद की जवाबदेही को सुप्रीम कोर्ट के खूंटे पर टांग दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना, समझा और संसद से उछाली गई जवाबदेही की पोटली को फिर से संसद के दरवाजे पर रख दिया। बहुत मजबूरी में देश की सबसे ऊंची अदालत को कहना पड़ा है कि हम नहीं रोक पाएंगे दागियों को देश के किस्मत तय करने से, ये संसद का काम है। पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप तत्काल अपने 70 साल पुराने कानून को बदलिए और एक नया कानून बनाइए जिससे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का जो संसद में जाना और विधानसभा में जाना रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल या उससे ज्यादा सजा होने वाले मामले में आरोप तय होने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अयोग्यता का प्रावधान अदालत नहीं जोड़ सकती, दागियों को रोकना संसद का काम है और वही इस पर सोच सकती है। चीफ जस्टिस ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय आपराधिक आतंक कहा है। जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी ये स्पष्ट होता है कि जो चीजें संसद को करना है वो संसद करेगी। भारत के समावेशी लोकतंत्र में अगर सबसे ज्यादा समावेश किसी का हुआ है तो दागियों का हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी देखिए कि उसने माना है गुनाह की दुनिया से आने वाले संसदीय गणतंत्र के विशेषाधिकारों से लैस माननीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन उसे साथ में ये भी कहना पड़ता है कि विधायिका के दायरे में जाकर दागी नेताओं को चुनाव से रोकना लक्ष्मण रेखा को लांघना होगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस संसद को की है, पार्लियामेंट ने उसका संज्ञान लेना है और मुझे, मैं समझता हूँ कि उसका संज्ञान लेना चाहिए। ये इशू बहुत सीरियस है और ये सब पार्टियों के लिए अहम है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि देश के संसद में बैठने के लिए दाग अच्छे हैं? क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट संसदीय राजनीति के कमरों से जब चमकती हुई कालीन उठाती है तो चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल जाती है। क्योंकि इस देश की लोकसभा में बैठने वाले हर तीसरे सदस्य पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। 541 में से 186 सांसदों ने हलफनामे में बताया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा है। आपराधिक इतिहास वाले सांसदों के मामले में बीजेपी सबसे ज्यादा दागदार है। बीजेपी के कुल 282 सांसदों में से 98 ने स्टैम्प पेपर पर कहा था कि वो दागी हैं। कांग्रेस के 44 में से 8 लोकसभा सदस्यों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। कहने को बार बार सवाल उछलता है कि इस नासूर को ठीक करेंगे, लेकिन ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और ये खुद सांसदों का रिकॉर्ड बताता है। देखिए कि 2004 में 24% सांसदों पर आपराधिक मामले थे, 2009 के चुनाव में दागी महामहिमों की तादाद 30% हो गई और 2014 में दागी सांसदों की संख्या 34% तक पहुंच गई। देश के 4083 विधायकों में से 1355 आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। और मजाक देखिए कि बात बात पर एक दूसरे पर टूट पड़ने वाले दलों और नेताओं में इस बात पर गजब की एकता कायम हो जाती है कि चोरी डकैती दंगा फसाद धोखाधड़ी छेड़खानी लूट अपहरण जैसे आरोपों से सुशोभित नेताओं के लिए संसद और विधानसभा के दरवाजे बंद न किए जाए। इस मामले के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद करे, हमारे बस में नहीं, वो संसद या एक अच्छा फैसला। फिर इस सियासत पर जनता भरोसा करे भी तो कैसे, जिसको समाज में न तो अपराध चाहिए और न ही भ्रष्टाचार, लेकिन संसद और विधानसभा में अपराधी बैठे देश के ईमानदार लोगों की बेईमानियों और अपराधों की सजा तय करें तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। तो क्या संसद और विधानसभा के अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बस नहीं, क्योंकि वो अपने फैसले को सलाह और निर्देश तक समेट लेता है कि उम्मीदवारों को मुकदमों की जानकारी इंटरनेट और मीडिया पर देनी चाहिए, चुनाव आयोग का फॉर्म बड़े और मोटे अक्षरों में भरा जाना चाहिए, उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की पार्टियों को भी जानकारी होनी चाहिए, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, और इतने सारे चाहिए को कर दिया में तब्दील कौन करे, तो जवाब आता है संसद। लेकिन जिस संसद में यह कानून बनना है उसे बनाने की 34% ताकत उन्हीं दागियों के पास है और लगभग इतने ही उनके साथी समर्थक और अनुयायी,
मतलब ये तय हो गया है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने से न तो देश की संसद में बैठने वालों की नैतिकता पर कोई संकट खड़ा होता है और न ही संसद से चलने वाले लोकतंत्र पर। दागी मिलकर बांच रहे हैं, ऑल इज वेल, और आपको इस पर भरोसा करना पड़ेगा।